नमस्कार दोस्तों, MDS ट्रेडिंग के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं एक टेक्नो फंडा रिसर्च पिक, जो कि एक स्मॉल आईटी कैप आईटी कंपनी है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट, जो कि एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है। साथ ही में दोस्तों ये बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। यहाँ दोस्तों सीके बिरला ग्रुप कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इंडिया का बहुत फेमस नाम है। ओरिएंट के जितने भी बिजनेस आप देखेंगे वो सारे सीके बिरला ग्रुप के अंडर ही आते हैं। साथ में दोस्तों, स्मॉल कैप आईटी कंपनी लिखने की वजह बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज की डेट में जैसा हम देख रहे हैं, जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से ये नज़र आ रहा है कि जो आईटी कंपनीज हैं वो मैक्सिमम काम वर्क फ्रॉम होम कर रही है और काम में कोई भी रुकावट नहीं आ रही। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आईटी कंपनीज को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी और आने वाले टाइम में आईटी कंपनीज के ऊपर ज़्यादा इन्वेंट्री का बोझ भी नहीं रहेगा, जिसके वजह से आईटी कंपनीज यहां से ग्रो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ ही में दोस्तों, ये जो कंपनी है ये डील करती है एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। जिनकी जो डिमांड है या फिर जिनको ये बिज़नेस अपना सर्व करते हैं वो हर एक इंडस्ट्री में है, ऑटोमेटिव बैंकिंग, हाईटेक या फिर मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट हो, या फिर आप मीडिया ले लीजिए, या फिर लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, कोई भी जगह हो वहाँ पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इनका बिज़नेस जो है यहाँ से दिखाई देता है कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिज़नेस है। पर साथ ही में दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि जो इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि बिरला सॉफ्ट जो कंपनी थी KPIT के साथ मर्जर के बाद ये डीमर्ज हुई। तो डीमर्ज होने के बाद दोस्तों ये बिरला सॉफ्ट ने अपना आईटी का बिज़नेस संभाला और KPIT ने टेक्नोलॉजी या फिर इंडस्ट्री का जो भी बिज़नेस है उसको संभाला। तो जो ये बिज़नेस यहाँ से एस्टेब्लिश हुआ, फाइनल जो आईटी कंपनी का बिज़नेस एस्टेब्लिश हुआ है वो 2019 से हुआ है। तो यहाँ से फाइनेंशियल हिस्ट्री जो इनकी है वो काफ़ी लिमिटेड दिखाई देती है। पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, पहले भी बता दिया मैंने, साथ में डिजिटल इंडिया शेयर है ये। डिजिटल इंडिया मतलब काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ हो रहा है और इंडिया को पूरा डिजिटली स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी इसका हाथ रह सकता है। स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ज़ीरो प्लेज शेयर। दोस्तों, ज़ीरो प्लेज शेयर मतलब कंपनी के पास गिरवी रखे हुए शेयर्स नहीं है, कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। साथ में कंपनी डेट फ्री है पूरा। डेट फ्री का मतलब है पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी है, एक रुपये का भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। जो जून के क्वार्टर के कंपनी ने रिज़ल्ट पोस्ट किए हैं वो काफ़ी बेहतरीन पोस्ट किए हैं, और जो टेक्निकल्स पे हमको दिखाई दे रहा है, जो हमारा देखने का टेक्निकल का नज़रिया है, उसके हिसाब से ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है और आने वाले टाइम में और अच्छी रैली दे सकता है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। दोस्तों, फंडामेंटल जो देखने का तरीका हमारा है, हम मार्जिन्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशो को काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी से देखते हैं। तो जो कंपनी के मार्जिन्स है जून क्वार्टर के हिसाब से 2019 और 2020 के, वो काफ़ी इम्प्रूव हैं। जून क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, ऑपरेशंस से जो भी मार्जिन आया है इनका, वो टोटल 17.92 2019 में जून में था, जो कि जून क्वार्टर के रिजल्ट के बाद 20.86 मतलब 3% की ग्रोथ इन्होंने दर्ज की है। साथ में ही नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी ने ग्रो किया है वो 8.71 से 10.5 है, या 58, यानी कि टोटल 3% ग्रोथ इन्होंने दर्ज की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो पिछले जून के क्वार्टर से अगर हम कंपेरिजन करें तो। साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है वो 40.77 है, 40.77 कंपनी की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। साथ में प्लेज शेयर ज़ीरो हैं। FII की होल्डिंग 20.14 का मतलब है दोस्तों, FII इतनी छोटी कंपनी में भी काफ़ी अच्छा होल्ड रखते हैं, यानी कि ये शेयर यहाँ से काफ़ी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। साथ में इतनी छोटी कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी में 6.56% का म्यूचुअल फंड का होल्डिंग होना
बहुत अच्छी बात है, यहाँ से बहुत अच्छा संकेत दे रहा है ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन सकता है। फंडामेंटल व्यू हम देना चाहेंगे इसके बारे में, डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी का 0 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROA जो है रिटर्न ऑन एसेट्स ठीक ठाक यहाँ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल हिस्ट्री कंपनी की उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। साथ में 14 अगस्त का दोस्तों स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा, 151 का प्राइस पे ट्रेड कर रहा है शेयर और 14 अगस्त को ही इसने अपना हाई मारा है जो 157 के आसपास है, जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 17.63 है, जो इंडस्ट्री पीई से कम दिखाई दे रहा है। दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर कंपनी अच्छी हो तो उसका इंडस्ट्री पीई से भी हाई हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ से पीई के हिसाब से कैलकुलेट करना जायज़ नहीं रहेगा हमारे लिए। साथ में फेस वैल्यू का जो कंपनी के हैं 2 रुपये पर शेयर है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है 1.32%। साथ में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बताना चाहूँगा कि डेली चार्ट पे या फिर शॉर्ट टर्म चार्ट पे अगर हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो उसमें काफ़ी फेक ब्रेकआउट हमको मिल जाते हैं, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट कभी भी हम स्टडी करेंगे तो उसमें जो ब्रेकआउट मिलते हैं हमको वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, वन मंथ का ये चार्ट है, मंथली चार्ट है ये टोटल। मंथली चार्ट में दोस्तों जब मार्केट में गिरावट आई थी तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, ये जो रेड कैंडल है इसका लो 46 के आसपास लगा था और हाई 100 के आसपास था, इसने अपने हाई को यहाँ से तोड़ दिया है। दोस्तों अपने हाई को यहाँ से तोड़ने के बाद ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है और उस टाइम मार्केट का लेवल 12,000 के आसपास था, तब ये 100 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आज मार्केट का लेवल 11,300 है, ये ब्रेकआउट देके काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है 151 पे, और यहाँ से दिखाई दे रहा है कि फंडामेंटल इसके इम्प्रूव हो रहे हैं और अच्छा लेवल देने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो दोस्तों साथ ही मैं अगली स्लाइड पर चलता हूँ, टेक्निकल व्यू से 46.7 इसका जो लो लगा था, 46.7 का लो लगा था 52 वीक लो, और जो हाई 14 अगस्त को ही लगा है 157.5 का। साथ में करंट मार्केट प्राइस जो है 151 का है, एक्युमुलेशन जोन जो हमारे हिसाब से रहेगा 142 के आसपास का लेवल बहुत अच्छा एक्युमुलेशन का लेवल रह सकता है। साथ में अगर कोई दोस्तों मार्केट में गिरावट आ जाती है तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये स्टॉक 120 के आसपास अगर मिले तो बहुत ही बेहतरीन लेवल होगा एक्युमुलेशन के लिए। जो इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है 180 या 200 का दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग टर्म में टारगेट 230 या उससे ऊपर, डिपेंड करता है कि इसके फंडामेंटल और कितने इम्प्रूव होते हैं। दोस्तों साथ में हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हम सिप रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, जो भी हमारे व्यूज़ हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। MDS ट्रेडिंग हम YouTube पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं और ट्विटर पे भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।